ठीक, रुके रुके रुके, एके मिश्रा साहब, मैं सब धार्मिक टिप्पणी सबसे अंत में लूंगा रावत साहब की। 24 का चुनाव अयोध्या में दुनिया के कुछ सुंदरतम, विशालतम और भव्यतम मंदिरों में से एक अयोध्या का मंदिर बन चुका होगा। तब तक 24 के चुनाव की अधिसूचना जब तक जारी होगी, अभी जो एजेंडा है, जो टाइम टेबल है उससे, और काशी में करबट और मथुरा में अंगड़ाई, इन सबको अगर हम एक फ्रेम में रख के देखें और फिर 24 के चुनाव को विजुलाइज करें, तो क्या राजनीतिक स्थिति परिस्थिति आपकी समझ में आती है मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, कोई भी पक्ष की या विपक्ष की पार्टी अगर भारत को धर्म विहीन करके कोई राज्य की स्थापना या सिद्धांतों का करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। मुगलों ने तो इस चीज के लिए तलवारें भी उठाई, अंग्रेजों ने भी कोशिश की, सूडो सेक्युलरिज्म वगैरह आया। रही बात अभी राम की, अगर हम बात करते हैं तो राम का नाम या राम का चरित्र अपने आप में इतना अभीष्ट लक्ष्य सिद्धि की गारंटी देता है। इसका उदाहरण है सुग्रीव जंगल जंगल घूम रहे थे, उनकी पत्नी भी नहीं थी उनके साथ, राम का नाम उन्होंने लिया, उनको राज्य वापस मिल गया। विभीषण जिनको लंका में तिरस्कृत करके रखा गया था, तो मंत्र विभीषण भान माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना, ठीक बात। तो वो वापस जो है वहां पे राजा बने। मेरे कहने का मतलब, सदियों साल से महात्मा गांधी भी, अगर राम, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से अगर राम को हटा दिया जाए तो शायद महात्मा गांधी जी का भी व्यक्तित्व इतना विशाल नहीं होता। अब वो दूसरी चीजें हैं। मेरे कहने का मतलब, इस राष्ट्र की संकल्पना से आप धर्म को अलग कर दें अगर, सनातन धर्म को, तो शरीर से आपने आत्मा को अलग कर दिया। उसमें राम सबसे बड़े राजनेता हुए हैं, यानी बिना कोई गलत काम किए हुए आदर्शों की राम ने क्या किया? युद्ध भी तो राजनीति का हिस्सा है ना। तो राम अगर इतने अभीष्ट राजनेता रहे हैं, आइडियल राजनेता रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, एकदम आइडियल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, तो उनको भारत की राजनीति से कैसे अलग किया जा सकता है? मैं राम मंदिर के मुद्दे को, वो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको सॉल्व करे, मंदिर बनाए, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता हूं, बल्कि मैं इसको एक राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं जो लाखों साल से पेंडिंग है। और इसी क्रम में चाहे वो बनारस का मामला हो, चाहे कृष्ण का मामला हो, आप भारत जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र के विभिन्न इंपॉर्टेंट अंगों को, अवयवों को अगर अलग कर देंगे तो भारत केवल एक भूखंड रह जाएगा। और भारत की आत्मा को भारत से अलग कर दीजिए तो भारत की महानता खत्म। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ठीक है मिश्रा जी, आएंगे आपके पास दोबारा। अब मैं एचएस रावत साहब के पास चलूंगा। एक बात मिश्रा जी ने कही, उस पर मुझे एक बात याद आती है, ठीक बात है। भारत अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसा देश नहीं है। इस देश की विशिष्टता यह है, जैसा कभी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था,